प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल लालजी टंडन का लखनऊ में किया गया अंतिम संस्कार, प्रदेश में 5 दिन का राजकीय शोक। वॉल्व युक्त N95 मास्क कोरोना वायरस को फैलने से नहीं रोकता, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की चेतावनी। प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच अब तक 16,000 लोग हुए स्वस्थ। मंदसौर में आज 20 दिन की बच्ची ने कोरोना को हराया। और पन्ना में मजदूर की चमकी किस्मत, खुदाई में मिला बेशकीमती हीरा। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल लालजी टंडन का लखनऊ में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। श्री टंडन का आज सुबह निधन हो गया था, वे 85 वर्ष के थे। श्री टंडन को पिछले महीने की 13 तारीख को लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री टंडन लखनऊ से सांसद और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ पहुंचकर श्री टंडन की पार्थिव देह पर पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री टंडन के देहांत पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र ने एक महान हस्ती को खो दिया है, वे लखनऊ की तहजीब के प्रतीक थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्री टंडन के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने कहा कि वे एक सक्षम प्रशासक थे जिन्होंने हमेशा जन कल्याण को महत्व दिया। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी श्री टंडन के देहांत पर शोक व्यक्त किया। राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल की बैठक में उन्हें श्रद्धांजलि दी। 2 मिनट का मौन रखने के बाद बैठक को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्य में 5 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। प्रदेश में 25 जुलाई तक कोई भी शासकीय कार्यक्रम नहीं होंगे। आज सभी सरकारी ऑफिस और शिक्षण संस्थान बंद रहे। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने भी राज्यपाल के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री टंडन ने अपने 11 महीने के कार्यकाल में राजभवन को नई पहचान दी है। श्री टंडन ने 29 जुलाई 2019 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। तब राज्य में कांग्रेस सत्ता में थी। भोपाल के राजभवन में उनका कार्यकाल लगभग 11 महीने तक रहा। जब मुख्यमंत्री कमलनाथ की कांग्रेस सरकार को 22 पार्टी विधायकों के इस्तीफे के कारण आंतरिक विद्रोह का सामना करना पड़ा, तब श्री टंडन ने अपने राजनीतिक कौशल से इस मामले को हल किया था। कोविड-19 संकट के दौरान भी श्री टंडन ने जरूरतमंदों के लिए भोजन के पैकेट तैयार करने के लिए राजभवन की रसोई के द्वार खोल दिए थे। यहाँ से प्रतिदिन 100 से अधिक खाद्य पैकेट भेजे जाते थे। राज्य विश्वविद्यालयों के चांसलर के रूप में भी उन्होंने नियमित रूप से शैक्षिक संस्थानों की निगरानी की और यह सुनिश्चित किया कि शैक्षणिक मानकों को हर कीमत पर बनाए रखा जाए। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल द्वारा अब से कुछ देर बाद शाम 7:45 पर राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम लालजी टंडन एक पुण्य स्मरण प्रस्तुत किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सांस लेने के लिए बनाए गए वॉल्व युक्त N95 मास्क के इस्तेमाल के खिलाफ लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि ये कोरोना वायरस को फैलने से नहीं रोकता है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉ. राजीव गर्ग ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा प्रमुख सचिवों को इस संबंध में पत्र लिखा है। डॉ. गर्ग ने कहा है कि इस तरह के N95 मास्क का प्रयोग कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के प्रयासों में बाधक है, क्योंकि ये वायरस को बाहर नहीं निकलने देता। इसे देखते हुए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे चेहरे और मुंह ढकने के दिशा निर्देशों का पालन करने और रेस्पिरेटरी वॉल्व युक्त N95 मास्क के उपयोग को रोकने का निर्देश दें। स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 24,500 के करीब पहुंच गई है। वहीं लगभग 16,000 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। भोपाल में कोरोना संक्रमण के 95 नए मामले सामने आने के बाद प्रभावितों की कुल संख्या बढ़कर 4,500 से ज्यादा हो गई है। वहीं 50 लोगों के स्वस्थ होने पर उन्हें आज अस्पताल से छुट्टी दी गई। रायसेन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के बरेली जेल में संक्रमित पाए गए 64 कैदियों में से 41 को उपचार के लिए विदिशा मेडिकल स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। टीकमगढ़ में 35 नए मामलों के साथ कोरोना मरीजों की संख्या 269 हो गई है। जबलपुर में भी 4 नए मरीज मिले हैं। आगरमालवा में 7 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। शहडोल में कोरोना के 3 नए प्रकरण सामने आए हैं। ये तीनों दूसरे राज्य से लौटे हैं। खंडवा में 25 कोरोना विजेता संक्रमण से मुक्त होकर आज जिला अस्पताल से घर लौटे। उधर छिंदवाड़ा जिले में 69 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। मंदसौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि 20 दिन की बच्ची सहित 24 लोगों को आज अस्पताल से छुट्टी दी गई। देवास में पिछले 8 दिनों में 122 नए संक्रमितों का पता चला है। वहीं उमरिया में 3 लोगों में आज कोरोना की पुष्टि हुई है। नीमच में 20 नमूनों की रिपोर्ट में 1 पॉजिटिव जबकि 19 नेगेटिव मिली है। धार में आज 25 नए मरीज मिले हैं, जिससे प्रभावितों की संख्या 319 हो गई है।
होशंगाबाद जिले के पिपरिया में एक आभूषण कारोबारी में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। जिले में अब सक्रिय मामलों की संख्या 114 हो गई है। भोपाल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच इस पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से आज यहां बाग सेवनिया क्षेत्र में 5 दिन का लॉकडाउन लागू कर दिया गया। इस क्षेत्र में पिछले 3 दिनों के दौरान कोरोना संक्रमण के लगभग 35 मामले सामने आने के बाद लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया। वहीं पुराने शहर के कुछ थाना क्षेत्रों में 24 जुलाई तक पूर्णबंदी के आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। शेष दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान और कार्यालय आदि बंद रहेंगे। राज्य में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लॉकडाउन लागू करने के संबंध में निर्णय लेने के लिए जिला और विकासखंड स्तर पर आपदा प्रबंध समूह बनाए गए हैं। इनमें स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल रहते हैं। समूह की बैठक में स्थिति की समीक्षा करने के बाद लिए गए निर्णय के आधार पर शहर के अलग अलग क्षेत्र में लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया जा रहा है। बैतूल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में आज से रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रतिदिन रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। टीकमगढ़ में पहले से ही टोटल लॉकडाउन जारी है। खरगोन में भी इस शनिवार और रविवार को पूर्णबंदी रहेगी। वहीं जबलपुर में आज से रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा। पन्ना में लॉकडाउन के दौरान एक मजदूर की किस्मत चमक गई। यहां की उथली हीरा खदान में मजदूर आनंदीलाल कुशवाहा को 10 कैरेट 69 सेंट का जेम क्वालिटी का हीरा मिला है, जिसकी अनुमानित कीमत 30 लाख से ज्यादा आंकी जा रही है। आनंदीलाल कुशवाहा ने बताया है कि उन्होंने अपने 9 साथियों के साथ मिलकर खुदाई की थी। अच्छा बड़ा हीरा मिला है, 10 कैरेट से ऊपर का हीरा है, 10 कैरेट 69 पॉइंट का, जिसमें बहुत खुशी प्राप्त हुई, जिसमें सभी पार्टनरों का सहयोग है। जिला हीरा अधिकारी एसएन पांडे का कहना है कि लंबे समय बाद ये बड़ा हीरा मिला है, जिसे विधिवत जमा करा दिया गया है। अब इसको नीलामी में रखा जाएगा। जो भी कीमत मिलेगी, रॉयल्टी और टैक्स काटकर पूरी राशि मजदूर को दी जाएगी। पूरी कीमत नहीं बताई जा सकती है, लेकिन बहुत अच्छे किस्म का हीरा है। लॉकडाउन के बाद ये जो धुलाई का काम है, पानी गिरने से हुआ है, इसमें हीरे मिलने की संभावना रहेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला में कल केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सतना कलेक्टर अजय कटेसरिया ने सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। गुना जिले के चाचौड़ा में आज लगे रोजगार मेले में 280 प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मिला। रायसेन जिले में आगामी 25 जुलाई को ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। 30 जुलाई तक सीहोर जिले में विशेष टीकाकरण कैचअप राउंड के तीसरे चरण संचालित किए जाएंगे। डिंडौरी कलेक्टर ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतने पर लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री को नोटिस जारी किया है। दतिया जिले में मनरेगा के तहत 13,000 से अधिक श्रमिकों को काम मिल रहा है और शिवपुरी में कल जिला स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित की।